मोहम्मद गजाली कह रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि जिस तरह से सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी हुई है, क्या INDIA गठबंधन पर भी इसका असर हो सकता है? जैसा कि गजाली भी बता रहे थे कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस की राज्य इकाइयां पहले से ही आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ है। आपको ये बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कई मुद्दों पर INDIA के घटक दलों में मतभेद देखने को मिले हैं। अगर पंजाब की बात करें तो यहां पर पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्दी ही आपकी जो सरकार है पंजाब में उसको गिरा दिया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पलटवार किया था और इसी बीच बाजवा और केजरीवाल ने दोनों ने यह भी कहा था कि जो 13 लोकसभा सीटें हैं पंजाब की, सभी पर कांग्रेस अकेले अपने बूते पर लड़ेगी और केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी लगातार वो उन पर हमलावर हैं। वहीं सनातन धर्म के मुद्दे पर तमिलनाडु में DMK नेताओं की जो टिप्पणी आई उसके बाद गठबंधन के अन्य सहयोगी दल इससे असहज हो गए। वैसे ही कावेरी जल विवाद के चलते कांग्रेस शासित कर्नाटक और DMK शासित तमिलनाडु में टकराव है और वहीं CPI ये कह चुकी है कि राहुल गांधी को केरल के वायनाड से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो ये एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जो INDIA के जो घटक दल है उनके आपसी मतभेदों को उजागर कर रही है। लेकिन हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। जगरूप सिंह सेखो साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और रविंदर सिंह रॉबिन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। सबसे पहले रॉबिन सर आपके पास आऊंगा, आप किस तरह से देखते हैं ये जो टकराव हुआ है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का, खासतौर से ये गिरफ्तारी को लेकर? अखिलेश जी, पंजाब में पहली बात तो क्या सीधे तौर पे तो यह है कि एक जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बढ़ गया है और सुखपाल खैरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी जो INDIA के अलायंस में है भी नहीं, वो भी सुखपाल खैरा की तरफदारी कर रहे हैं, उनके लिए आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उनके लिए आगे आई है जो कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस ने तो आना ही था। शिरोमणि अकाली दल जो कांग्रेस के कट्टर दुश्मन समझी जाती है, उनके प्रवक्ता ने भी आज उनकी फेवर में बात की है। तो सुखपाल खैरा एक तरह का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ बाकी सभी को, लेकिन वो कितना कारागार होता है ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। सभी लोग अभी फिलहाल के लिए यही एलिगेशन लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वेंडेक्टिव हो रही है, जो कि उसे नहीं होना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने जो कुछ भी अभी तक किया है वो सीधा लीडर्स के ऊपर अटैक किया है, चाहे वो मनप्रीत बादल पहले शिरोमणि अकाली दल में थे, फिर कांग्रेस में थे, अब वो भाजपा के साथ है, उनके ऊपर किया, उसके बाद कांग्रेस के कुछ लोग अंदर किए हैं। सुखपाल खैरा के पास जाने के बाद अब सभी दलों का ये कहना कि आम आदमी पार्टी वेंडेक्टिव राजनीति कर रही है, एक दुश्मनी की राजनीति कर रही है, वो किस तरह साबित करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राजनीतिक तौर पर सभी को जरूर एक तरह से एक टेम्परेचर जरूर पंजाब में गर्म कर दिया गया है। बिल्कुल शेखो साहब आपके पास आऊंगा, आप किस तरह से देखते हैं कि जो INDIA के घटक दल है आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों साथ आए हैं, तीन बैठक हो चुकी हैं पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में, तीनों में बैठक में साथ साथ दिखाई दिए, लेकिन जब जमीन पर बात आती है, जब जहां पर सरकारें हैं वहां की बात आती है, तो इस तरह से अपने ही सहयोगी दल के एक विधायक की गिरफ्तारी, ये किस तरह से असर डालेगा? पहली बात तो यह है कि धरातल लेवल पे मेरे को नहीं लगता था कि जो इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं कि इनके अलायंस की पॉसिबिलिटी होनी थी। अगर अलायंस होता भी तो उसमें रेबल लोग बहुत खड़े हो जाते, क्योंकि पोल अपार्ट है, जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं। ये जो जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, भले ही ये दो बड़े धड़े हैं, ये बिल्कुल कोई किसी भी लेवल पे इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दूसरी बात ये अभी मेरे साथी ने की है, आज भगत सिंह का पुत्र दिहाड़ा, जन्म दिहाड़ा जो था सारे पंजाब में मनाया जा रहा था, और उस समय में जिस तरीके से जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है ड्यू प्रोसेस लॉ, कहाँ है जिन चीजों की ये बातें करते होते, जस्ट उसके अपोजिट जाके खैरा साहब को बाद में भी पकड़ा जाता है, ठीक है वो किसी केस में इन्वॉल्व है तो वो तो उनको भुगतना पड़ेगा उस बात का, पर जिस तरीके से इन्होंने ये सारा आज का जो सारा दिन का पूरी घटना चक्कर है, मेरा ख्याल है कि इन्होंने इसी तरीके से जो खैरा साहब है को आईकॉन बन गए। ये बात तो ठीक है कि कांग्रेस में वही वही आदमी है जो क्वेश्चन रेज करते थे। अभी थोड़े देर पहले एक शाही मैरिज भी हुई थी आम आदमी पार्टी के परिवार में, उसके बारे में क्वेश्चन किए थे और बहुत सारी चीजों पर क्वेश्चन करते हैं, डेली रेगुलरली लोगों को वो एड्रेस करते हैं, वो स्ट्रीट फाइटर हैं, पर आज तक जो उनका कद था
वो एक पार्टी के सिपाही के तौर पे ही था, पर आज वो इंडिपेंडेंटली एक ऐसा अमर्ज हो गया कि जो लोगों का पर्टिकुलर पंजाब में जो है कोई ना कोई ऐसे हीरो की तलाश रहती है कि जिसमें लोग जो है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो आम आदमी पार्टी का जो एक्शन है, जिस तरीके से लिया गया और जिस तरीके से उनको जो अरेस्ट किया गया जी और जो उनके साथ व्यवहार किया, उसी से ये इनका अलायंस की तो बात बहुत दूर की है। इसी से मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी लोगों की जो इमेजिनेशन का हिस्सा था, वो तो पहले उनका डिक्लाइन काफी लोग पीछे हट रहे थे, पर इसके बाद इनका जो आने वाली, मेरे को लगता है कि जो आने वाली इलेक्शंस होंगी उनके लिए बहुत बड़े क्वेश्चन इन्हें किए। जी ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अकालियों ने शुरू किया था, उन्होंने उसका जो खमियाजा भुगता, कांग्रेस के समय भी था। तो मेरा ख्याल है भी इससे बड़ी जो आज जिस तरीके से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जिस तरीके से अरेस्ट किया उसके घर में जाके ये बात जो है उनके साथ, जगरूप जी, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आरोप भी हैं, गंभीर आरोप उनके ऊपर हैं ड्रग्स को लेकर के, और एक बार पहले भी उनकी गिरफ्तारी इससे पहले हो चुकी है, ईडी ने भी गिरफ्तारी की थी। लेकिन रविंदर जी, आपको लाना चाहूंगा जो बात बाजवा जी ने कही थी कुछ दिनों पहले, जिसको लेकर के कि दरार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में साफ दिखी थी कि जो एमएलए हैं इतनी भारी संख्या में उनके साथ है, ये दावा किया था सरकार हम गिरा देंगे, ये भी उन्होंने बात कही थी। तो क्या आप मानते हैं कि ये भी एक कारण रहा है जिसके चलते ये आज का पूरा एपिसोड हुआ है? मैं ये भी समझता हूँ कि प्रताप सिंह बाजवा जो ओपोजिशन के लीडर भी हैं, उनको अपनी कुर्सी भी बचानी है, अपनी जो उनकी पोजीशन है वो भी देखनी है, क्योंकि वो जानते हैं कि धरातल में ग्राउंड लेवल पे दोनों वर्कर्स ने, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने, पिछले दो इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं और उन अभी भी हैं। वो जो नेशनल लेवल पे जो इनकी मुआयदा हुआ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो उस वोट बैंक को, अपने वर्कर को भी देखते हैं। उनको शांत करने के लिए उनका जो दावा था, वो दावा एक बार पहले भी किया गया, ऐसा भी बात की गई कि आम आदमी पार्टी के 40 विधायक किसी एक फलां पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन वो नहीं हुआ था। अब भी उन्होंने 32 बंदों की बात की है कि हमारे पास उनके टच में है वो लोग, हो सकता है 2, 4, 10, 5 कुछ टच में हो, लेकिन वो कैसे मटेरियलाइज होंगे ये उन्होंने कोई उसका रूपरेखा नहीं बताई। उन्होंने ये कहा कि 2024 के इलेक्शन के बाद उन्होंने ये एक भविष्यवाणी की कि आप देखना कि आम आदमी पार्टी किस तरह बिखरती है। ये राजनीतिक लोगों का, अखिलेश जी आप अच्छी तरह जानते हैं, वो जी सपने लोगों को भी दिखाते हैं, अपने वर्कर्स को भी दिखाते हैं, लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि 2024 के इलेक्शन के जब आएंगे उसमें ये मुद्दा भी बाकी मुद्दों के साथ जुड़ जाएगा। बिल्कुल। और जगरूप जी, जाते जाते आपसे टिप्पणी लूंगा, जो बात आपने कही थी कि नदी के जैसे दो पार्ट होते हैं वैसे अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हो गए हैं, इन दोनों का मिलन असंभव लगता है आपको, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ी, जिस तरीके की राजनीति में होता है कि जब जरूरत होती है आप अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ते हैं, सामने वाले को हराने के लिए लड़ते हैं, आपको लगता है अब भी कोई सुलह सफाई की गुंजाइश बची है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच? मेरे ख्याल इनकी सुलह हो भी जाए, लोग उसको रेकग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। इनकी सुलह का मतलब जी तब होगा अगर लोग 2+2=4 होंगे, वो बात नहीं होगी। अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सारा है जो एंटी, जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट है, हो सकता है आमने सामने लड़ेंगे। हाँ, ये भी हमको लगता है कि अगर ये दोनों पार्टियां आमो सामने लड़ती हैं तो मुकाबला इनके बीच में होगा। जो तीसरी धिर है बीजेपी अकाली दल वाली, वो उनको एडवांटेज नहीं है। अगर ये इकट्ठे होते हैं तो वो अपने आप एक और इंडिपेंडेंट जो है सामने अपनी धिर खड़ी कर सकते हैं। पोस्ट पोल अलायंस में जाके इलेक्शंस के बाद नेचुरली कोई ना कोई पॉसिबिलिटी, अगर जिनके भी जीत के आएंगे वो तो वहां इकट्ठे होंगे। मेरे को इस समय नहीं लगता कि अगर प्री इलेक्शन अलायंस होता है, अगर हो भी जाता है लेट्स सी दैट, उसका इनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि लोग नहीं चाहते। जिस किस्म की राजनीति ये दोनों पार्टियां ने की है, लोगों के मुद्दे हाशिए पे है, जिस वजह से लोगों ने आम आदमी पार्टी को पावर में लेके आए थे मुद्दों को रिजोल्व करने के लिए, चाहे किसानी था, बेरोजगारी था, बच्चों का प्रवास था, या लॉ एंड ऑर्डर था, ड्रग का इशू था, वो इशू सारे साइडलाइन हो गए। तो इसलिए ये जी दोनों भी लोगों की आंखों के तारे नहीं है, पर वो होता है ऐसा है कि आपको कई बार लेसर इवल जो उसको चुनना पड़ता है। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि इनका अलायंस इलेक्शन से पहले कोई ना कोई अलायंस जी होगा, अगर होगा वो सक्सेसफुल होगा। शुक्रिया आपका जगरूप जी और रविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।